सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सीजी एक्सप्रेस को और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए कुछ खास, जो एक तीखा मसाला है जो सुर्खियां बटोर रहा है आजकल। और हम बात कर रहे हैं राखी सावंत, जो आजकल मीडिया में अपने बेबाक बातों को और अंदाजों को लेकर बड़ी मशहूर हो रही हैं। आज राखी सावंत ने अनूप जलोटा पर मारा है सीधा निशाना और गर्लफ्रेंड को लेकर उड़ाया है काफी मजाक। गर्लफ्रेंड आइटम राखी सावंत अक्सर अपने बेबाक अंदाज के चलते सुर्खियों में आ जाती है। बॉलीवुड कंट्रोवर्सी क्वीन और आइटम गर्ल सावंत अक्सर अपने बेबाक अंदाज के चलते ऐसे मीडिया में सुर्खियां बटोरती हैं और वह अक्सर अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए चर्चा में बनी रहती हैं। वहीं हाल में ही राखी सावंत ने बिग बॉस में आए कंटेस्टेंट अनुपम जलोटा को सीधा निशाना लगाते हुए कहा है कि मीडिया के सामने की ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसके बाद हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। देखिए राखी सावंत हॉट कमेंट किस तरीके से कर रही हैं। और गौरतलब बता दिया जाए कि 65 साल के अनूप जलोटा जी, जो उनकी 28 साल की गर्लफ्रेंड है जसलीन माथुर, ने बिग बॉस के घर में एंट्री की हुई है और उसी के लिए जहां अनूप जलोटा जी सोशल मीडिया पर बड़े कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं उनकी गर्लफ्रेंड के कारण, दूसरी ओर राखी सावंत अपने कमेंटों से मीडिया में बड़ा ही तहलका मचाई हुई है। उसी को देखते हैं आज राखी सावंत किस तरीके से मीडिया में अनूप जी को खुले में कितना कुछ कह जाती हैं। क्या अपशब्द। बिग बॉस इस साल का बहुत ही अच्छा है, बिग बॉस 12 इज सो अमेजिंग और मैं डेफिनेटली बिग बॉस 12 में जाना चाहूँगी और स्पेशली अनूप जलोटा जी की जो गर्लफ्रेंड आई है, ओ माय गॉड, वो मेरे बचपन की दोस्त है, केसर मथारू की बेटी है। और जब मैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल टाइम पे आई थी तो उनके डैडी ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, उसमें मैं लीड थी लफड़ा करके। तो केसर मथारू जी और जसलीन का मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है और मुझे लगता है कि अनूप जलोटा जी का जलोटा निकल जाएगा, सिर्फ लोटा ही रह जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ठीक तरह चल भी नहीं सकते तो कांड क्या करेंगे, है ना। कांड ही नहीं कर पाएगा इंसान तो लड़की कैसे रहेगी उनके पास। तो अरे ये थोड़ा नीचे तो रखो, तुम उधर मुंह कर क्यों हंस रहे हो, तुम मेरा कांड ना कर दो यहाँ। तो मुझे लगता है कि अनूप जलोटा जी कांड नहीं कर सकते तो गर्लफ्रेंड टिकेगी नहीं जसलीन, और जो बिग बॉस में दूसरे जो हैंडसम डूड लड़के हैं वो जसलीन को उड़ा ले जाएंगे और उनके साथ में उनका अफेयर हो जाएगा। मुझे तो 3-4 पुलिस वाले पे बहुत निगाह है मेरी, और जो बॉडी जय जय शिव समथिंग, और दूसरे तो दो शांत और दूसरे तो दो मैरिड है, पर क्या आजकल दुनिया में क्या फर्क पड़ता है, एक घर में बीवी एक बाहर वाली। तो जसलीन को तो सब उड़ा के लेके जाने वाले हैं। और ऐसे भी मैं अपने इंस्टाग्राम जो राखी सावंत 2511 जो इंस्टाग्राम पे मैं रोज बिग बॉस के बारे में बोलती रहती हूँ, और अनूप जलोटा जी बहुत जल्दी विधवा हो जाएंगे, विधवा या रंडवा क्या बोलते हैं पता नहीं। नहीं नहीं, केसर मथारू जी से मेरी बात हुई है और कल हम राज ठाकरे जी के प्रोग्राम में जा रहे हैं बैंड्रा और गणपति विसर्जन के लिए, और मैंने कहा है कि ऐसा नकारा नहीं है। हाँ, जसलीन और अनूप जी का बहुत अच्छा टाका भिड़ा हुआ है, और एक्चुअली क्या ना, एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि अनूप जलोटा जी जो है उनको पहले से 3 बीवियाँ भाग गई। अब ऐसा कौन सा कांड करते कि 3 बीवियाँ भाग गई, वो शायद कांड नहीं करते होंगे इसलिए भाग गई। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो हर यंग लड़की को पीछे जाते ही है और हर लड़की से वो अफेयर करते हैं, और मैं सच कहती हूँ कि अनूप जलोटा जी अगर जसलीन चली जाए तो चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं आपके साथ कांड करूँगी, चिंता ना करना, पूरा कांड।